prove with the help of dimensional analysis that this equation is incorrect. फिर आपको करेक्ट इक्वेशन बतानी है, वो भी डायमेंशन की हेल्प से. तो अगर मान लीजिए ये इक्वेशन करेक्ट है तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होगी, हाफ की कोई औकात नहीं है. ठीक है, तो h क्या है, डिस्टेंस है, हाइट है, तो इसकी l हो गई, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई, lt माइनस 2t टाइम है. ठीक है, तो जो अब लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वो l है और राइट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वो lt माइनस 1 है. तो फिर ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो हम लोग बोलेंगे विच इज इनकरेक्ट. देयरफॉर हाफ h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर इज इनकरेक्ट. अरे यार पहले हाफ तुम लिखे दे रहा हूं मैं, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर इज इनकरेक्ट. बस हो गया, फर्स्ट पार्ट निपटा दिया हम लोगों ने. सेकंड पार्ट में मेहनत होगी, वहां पे सब ABCD हमें करना पड़ेगा. देखो अब अगर हमें ये तो पक्का है कि हाँ h अपना g और t पर डिपेंड करता है. अब हाफ लगेगा नहीं लगेगा वो एक्सपेरिमेंट से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो h इज इक्वल टू k टाइम्स जी टी, ऐसा हम लोग कर लेंगे. ठीक है, h और g की पावर a, और अभी ब्रैकेट इस समय ना भी लगाए तो भी चलेगा, g की पावर a और t की पावर b, ऐसा. बस h दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, के जहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, पहले से ही बता दे रहा हूं, बाद में के की वैल्यू 1/2 लिख देंगे, कह देंगे एक्सपेरिमेंटली ऐसा हो रहा है. तो अब एच ये हो गया और जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस 2, और टी क्या होता है टाइम बी, और एच की डायमेंशन क्या होती है, एच की डायमेंशन हो जाती है L, तो पता ही हम लोगों को. बस L को अब M तो यहाँ पे है ही नहीं, तो M को लाओ ही नहीं, लेकिन T है तो L T 0 ऐसे लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं L टू द पावर A T टू द पावर माइनस 2A प्लस B, ऐसे लिखना पड़ेगा हमें. यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, L to the power 1 is equal to L to the power A and T to the power 0 is equal to T to the power minus 2A plus B. ऐसे कर लेते हैं हम लोग भाई, अपने अपने कोफिशियंट बराबर होने चाहिए बस. तो A is equal to 1 है, मतलब एक्सपोनेंट है, कोफिशियंट भी नहीं है, और यहाँ पे 0 is equal to minus 2A plus B है, तो B is equal to 2A हो गया. ये वाला a यहां यूज कर सकते हो आप, 2 × 1 b इज इक्वल टू 2 हो गया. ठीक है, तो b की वैल्यू 2 हो गई और a की वैल्यू 1 हो गई. अब इन्हें वापस इस ओरिजिनल फॉर्मूले में आप रखते चलो. यहां मेरा काम नहीं करना भाई. ठीक है, देयरफॉर h इज इक्वल टू k g टू द पावर a क्या है 1 और b क्या है 2. दिस गिव्स h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, सही फॉर्मूला. अब आप जानते हैं भी है, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वही आ रहा है. k इज इक्वल टू 1/2 बाई एक्सपेरिमेंट्स, ये बीच में लाइन आप अपनी तरफ से डाल सकते. So this formula is incorrect and this is the correct formula. तो हम लोग dimension के मदद से formula derive करना भी सीख रहे हैं. अभी काफी question है इस तरह के.